हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर के मर्चेंट नेवी में। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोग अपने डीजी शिपिंग इंडोज प्रोफाइल पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक आप लोगों के इंडोज प्रोफाइल पे आप लोगों का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं रहता है, तब तक आप लोगों का इंडोज प्रोफाइल अधूरा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अपने फ़ोन के मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आप लोगों को गूगल पे क्लिक कर देना होगा। गूगल पे क्लिक करने के बाद गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को गूगल के सर्च बार में लिखना होगा डीजी शिपिंग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं डीजी शिपिंग करके टाइप कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को टाइप करके सर्च पे क्लिक कर देना होगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग पे क्लिक कर देना होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। एडवांस पे क्लिक करिए। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा फ्रेंड्स, 5 से 6 सेकेंड तक का। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग का पेज ओपन हुआ है। चलिए जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ है। उसके बाद आप लोगों को राइट साइड में आना है, ई गवर्नमेंट्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे फिर से ई गवर्नमेंट्स पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। बहुत लोगों का ई गवर्नमेंट्स पे क्लिक करने के बाद ही डायरेक्ट विंडोज और पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आ जा रहा है, और बहुत लोगों का नहीं आ रहा है, जैसा कि आप लोग मेरे भी फ़ोन में प्रॉब्लम ये देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इसके लेफ्ट साइड में देखिए एक और ऑप्शन दिया है, आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है कंपटेंसी कोर्सेज, उसके नीचे लिखा हुआ है ई गवर्नमेंट्स, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन खुल जाएगा इंडोज और पासवर्ड फिल करने का। जैसा कि देख रहे हैं पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना इंडोज नंबर और पासवर्ड फिल कर देना है। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, मैंने अपना इंडोज और पासवर्ड फिल कर दिया है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का इंडोज प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, राहुल चौधरी नाम से मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है थर्ड नंबर पे, अपडेट सीफेयरर प्रोफाइल पे, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो गया पूरा। देखिए कौन से डेट को मैं ओपन किया हूँ, सब पता चल रहा है यहाँ पर। 1/3/3/2022 को ओपन किया हूँ मैं। उसके बाद आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पे। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाइए। देखिए लिखा हुआ है अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पे, उस पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है अपलोडेड फ़ोटो सिग्नेचर ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक एंड CDC बुकलेट पेजेज। इसके सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को अच्छे से रीड करने हैं फ्रेंड्स। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक एंड CDC बुकलेट पेजेज। यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली सारा कुछ लिखा हुआ है कि फ़ोटो कितने साइज में चाहिए, फ़ोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है फ्रेंड्स इसमें, और कलर फ़ोटो होना चाहिए, और इस फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और कितने बाय कितने में सिग्नेचर होना चाहिए, सिग्नेचर कौन से कलर के पेन से होना चाहिए, वो सारा कुछ इसमें अच्छे से लिखा हुआ है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद स्विप करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, वहाँ पे उसके नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप, सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप, सिलेक्ट का ऑप्शन आया है। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो रखा है पहले से ही। तो आप लोगों को भी अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिलेक्ट के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। यहाँ पर मेरा पहले से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड है, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट में मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखाएगा। बट जिन लोगों का नहीं अपलोड है उनका यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाएगा, वो लोग यहाँ से सेलेक्ट करके
उसके बाद आप लोगों को यहाँ ब्राउज़र के ऑप्शन पे आ जाना है, ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं या सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ब्राउज़र में से। उसके बाद आ जाना है आप लोगों को अपलोड के ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों का फ़ोटो या फिर सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी टाइमिंग वगैरह सब बताएगा, अपलोडेड डेट भी बताएगा कि कौन से डेट को आप अपलोड किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल कॉल पर सेट करना ना भूलें। मर्चेंट नेवी से रिलेटेड ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।